हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है हैकर वाला। और फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्लाइड ऐप क्या है और स्लाइड ऐप को कैसे हैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत काम की ट्रिक और एक अच्छी ट्रिक है अर्न मनी करने के लिए। सो ये वीडियो आप हमारी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है। सो फ्रेंड्स, ट्रिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल हैकर बाबा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। सो आज के हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्लाइड ऐप क्या है और उसको कैसे हैक करना है। सो आप स्लाइड ऐप मतलब दिन में स्लाइड ऐप मतलब दिन में आप कम से कम मोबाइल को 500 से 200 बार अनलॉक करते ही होंगे। सो क्यों ना अगर आप मोबाइल को 100 से 200 बार स्लाइड करोगे और उसके बदले आपको पैसे मिले, सो आप बहुत मनी अर्न कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये एक रियल ट्रिक है। ये स्लाइड एप्लीकेशन क्या करता है कि आप अगर फ़ोन अपना अनलॉक करते हो तो आपको एक बार अनलॉक करने के 5 पैसे मिलेंगे। 5 पैसे एक बार स्लाइड करने से, और आप दिन में हज़ारों बार फ़ोन अनलॉक करते हो। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है स्लाइड ऐप। सो आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाना है फ्रेंड्स। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ गूगल प्ले में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जिसका नाम स्लाइड है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली स्लाइड फ्री अर्न फ्री रिचार्ज 42 कंपनी, जो इसकी कंपनी का नाम है स्लाइड है। इसमें आपको एक बार स्लाइड करने पे 0.05 पैसे यानी 5 पैसे मिलेगा एक बार स्लाइड करने पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लाइड करने पे आपको 5 पैसे मिलेंगे और रीड में करोगे तो आपको 1.05 पैसे मिलेंगे। सो ये है। सो आप इसको डायरेक्टली ओपन कर दीजिए। अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन करूँगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे पास 0.15 पैसे है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हैक कैसे करना है। सो एक लेटेस्ट ट्रिक है कि स्लाइड ऐप जो है कभी हैक नहीं होता है, उसके मनी कभी हैक नहीं होती है। लेकिन अभी इसमें स्लाइड ऐप में एक ऐसी ट्रिक निकली है जिसमें आप एक ही स्लाइड ऐप को कम से कम 9 से 10 बार ओपन मतलब होम स्क्रीन पर ला सकते हो, ऐप ला सकते हो। सो आप मोबाइल तो इसको अलाउ नहीं करता है कि आप एक ऐप को 3 या 4 बार डाउनलोड इंस्टॉल करके रखें। सो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको कैसे 3 या 4 बार कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कोई से भी एप्लीकेशन को कर सकते हो। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 2 स्लाइड ऐप हैं, जबकि यहाँ पे मेरे होम ऐप ड्रॉअर में जाके यहाँ पे 2 स्लाइड ऐप शो हो रहे हैं। सो एक में तो 0.15 रुपीज़ है जो मैंने 2 या 3 दिन पहले इंस्टॉल किया है, और एक में है मेरे 12.35 पैसे। और जब जब मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो मेरे को दोनों के पैसे मिलते हैं, यानी कि 10 पैसे एक स्लाइड का मिलता है मेरे को। तो अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको ये कैसे किया। सो फ्रेंड्स, ये ट्रिक सीखने के लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस एप्लीकेशन का नाम है APK एडिटर प्रो। सो जी हाँ दोस्तों, APK एडिटर प्रो ये शायद प्ले स्टोर पर अब अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल भी है सो ये आपको पैसे का मिलेगा। एक बार हम देख लेते हैं, एडिटर यहाँ पे आ चुका है, APK एडिटर। यहाँ पे 2 APK एडिटर और एक APK एडिटर प्रो। सो मैंने प्रो कर रखा है तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे पैसों का मिलेगा। और अगर आपको ये फ्री में चाहिए तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आपको यहाँ पे APK एडिटर प्रो को ओपन करना होगा। APK एडिटर प्रो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन आ जाएंगे, सिलेक्ट एन APK फाइल, सिलेक्ट ऐप फ्रॉम ऐप, हेल्प और एग्जिट। सो आप ये बोलना चाहता है कि आपको जिस एप्लीकेशन की कॉपी बनानी है आप उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिए। सो मैं सिलेक्ट APK फ्रॉम ऐप कर दूँगा। अब यहाँ पे मुझे कोई से भी एप्लीकेशन को वापस से करना है, जैसे कि मैं स्लाइड को ही री अगेन करूँगा। जब आप स्लाइड में ऐप अपने एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे सो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, फुल एडिट, सिंपल एडिट, कॉमन एडिट और एडिट डाटा रूट के, जो रूट कस्टमर के लिए है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन एडिट करूँगा। कॉमन एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपके यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मतलब ये जो स्लाइड ऐप है ये कॉपी है, आपको कुछ नहीं करना है। ऐप नेम स्लाइड रहना है, तो मैं स्लाइड का ज़रा
स्लाइड 12 लिख देता हूँ, और पैकेज नेम को आपको लास्ट 3 के वर्ड हटाने होंगे। मैं यहाँ पे अब APW लिख देता हूँ, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल लोकेशन में इंटरनल ऑनली करनी है जो मेरे पहले से हो रखी है, और यहाँ पे आपको क्लोज और सेव बटन का दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद इसकी जो है कॉपी बन जाएगी, और आपको इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करना है। बस डिफरेंस ये है कि आपको स्लाइड ऐप को ओपन करने के लिए बहुत सारी स्लाइड की एप्लीकेशन या आईडी होनी चाहिए। सो मेरे पास 3-4 आईडी है जो आज मैं इसमें डाल दूँगा। आप देख सकते हो कि स्लाइड 12 अब वो इंस्टॉल हो रहा है। पहले मेरे मोबाइल में उनकी 2 स्लाइड ऐप थे, लेकिन 3 हो जाएंगे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्लाइड हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड और स्लाइड 12 जो ये न्यू है। सो मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूँगा, और इसके लिए आपको इसकी आईडी चाहिए होगी। सो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप देखिए स्टार स्लाइड आप जैसे ही करेंगे तो ये आईडी मांगेगा। ज्वाइन स्लाइड, लॉगिन विथ फेसबुक, आई ऑलरेडी, आपको इनमें से जो सिलेक्ट करना है कर लीजिए, और जितने अकाउंट बनाने बना लीजिए। ये ओनली स्लाइड ऐप के लिए ही, ऐप भी एप्लीकेशन, ये हर एप्लीकेशन के लिए काम आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, हर एप्लीकेशन को आप 10 से 11 बार इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी विदाउट पैरेलल स्पेस। सो आज की हमारी ये वीडियो इधर तक ही थी फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखते रहिए, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।